आज हमारे एक साथी देवकी कलवाड़ी जी ने जो है अपने घर पर बुलाया, उनके घर पर किया है। एक स्वामी जी आए हैं महाराज जी, जो कि श्री चक्रवर्ती सम्राट सहस्त्र फणधारी रामानंद स्वामी आश्रम से बिलोंग करते हैं, रामायण धाम दतिया से। स्वामी जी के दर्शन करने जा रहे हैं हम लोग, चलिए चलते हैं। जैसा कि हमने आपको बताया कि आज हम देवकी जी के घर पर आए हैं। देवकी जी के घर पर जो एक महापुरुष आए हैं स्वामी जी। स्वामी जी का क्या नाम बताया? श्री देवनायकाचार्य। देवनायकाचार्य नित्यानंद क्या नाम? पूरा नाम क्या लिखते हैं? श्री श्री 1008 स्वामी देवनायकाचार्य। बाहर गाड़ी पे तो कुछ और नाम लिखा चक्र, वो उनका नाम है जो आश्रम में मूर्ति लग रही है। अच्छा, उनके आश्रम में जो मूर्ति लग रही है उनका नाम है सहस्त्रधारी चक्रवर्ती, वो उनका नाम है। अच्छा, आपका नाम जो है स्वामी देवनायकाचार्य। देवनायकाचार्य जी है जो बाहर गाड़ी में नाम लिखा था, इनके आश्रम का है। देवनायकाचार्य जी, हमारा बड़ा सौभाग्य है। आप कहाँ, मध्य प्रदेश से आए ना कहीं? दतिया, मध्य प्रदेश। रामानुज धाम, रामानुज धाम से आए। ये हमारे मित्र इधर खड़े हैं देवकी जी, इनके पुत्र हैं इधर। ये सिर्फ मैं अपने ग्रुप के साथियों को बताना चाहता हूँ। स्वामी जी का प्रणाम। स्वामी जी का बड़ा सौभाग्य है कि आज हम स्वामी जी के दर्शन करने आए। जैसे कि देवकी जी ने बताया हमें, आप करीब करीब 132 वर्ष के हैं और ज़्यादातर आपका समय जो है प्रभु चरणों में रहता है, और हिमालय के पहाड़ों पर, हिमालय के वहाँ निवास करते हैं। ये हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि आज हम जो है ऐसे ऐसे महापुरुष से मिल रहे हैं अपने जीवन में, प्रथम टाइम, फर्स्ट टाइम, जिनकी उम्र 132 वर्ष आपने बताया आपकी उम्र। 1890 का स्वामी जी का जन्म है। जीवन काल में शायद ये जो है अवसर बहुत कम लोगों को प्राप्त होता है, जो इतनी उम्र के स्वामी जी, इतने जो इन्होंने इतना देवव्रत रख रख कर जो अपनी उम्र यहाँ तक, अन्न नहीं खाते जैसे बता रहे हैं देवकी जी। और ये हमारे देवकी जी को भी जो है, इनका भी धन्यवाद कि इनको भी स्वामी जी का जो है आज इनके दर्शन हुए हैं। छोटू भैया भी साथ में। देवकी जी, आप कोई स्वामी जी के बारे में कुछ बताएं कुछ? स्वामी जी महान शक्ति है और मैं तो इनको भगवान के रूप में देखता हूं कि ये प्रभु हैं और हमारे घर आज प्रभु का आगमन हुआ है और इन्हीं के आशीर्वाद से सब कुछ हो रहा है। आपकी इनसे फर्स्ट टाइम मुलाकात कैसे हुई? मैं आज के 25 साल पहले मैंने इनसे में मिला था। मेरे एक मित्र हैं राजू जी, उनके ये गुरु हैं, तो उन्होंने मेरे को बताया। जी जी। तो मैं इनसे मिलने के लिए गया था। उस समय स्वामी जी केवल एक सफ़ेद चद्दर रखते थे जी। और जैसे इनका जो हनुमान जी का जो रूप है, बानर रूप, जी जी, उस रूप में ये थे जी। तो कहाँ आपसे मुलाकात हुई इनकी? मेरे किदवई नगर में मेरे एक मित्र है केशव मित्तल, उनके घर पर मेरी मुलाकात हुई। और आज मुझे मालूम चला कि स्वामी जी कानपुर आ रहे हैं, तो मैंने इनको जी जी। तो स्वामी जी दतिया, जैसे कि पता लगा दतिया मध्य प्रदेश से आए हैं, इनका आश्रम है वहाँ पर जी, जी। तो क्या रेगुलर यहाँ आते हैं आपके यहाँ? नहीं, ये फर्स्ट बार आए हैं, पहली बार आए हैं। तो आपका बड़ा सौभाग्य है इसका मतलब? बहुत बड़ा सौभाग्य है हमारा तो, आज हमारे घर तो भगवान पधारे। और आपके साथ साथ हमारा भी सौभाग्य कि आपने हमें बुलाया इनके दर्शन के लिए। मैं स्वामी जी अगर कुछ बोलना चाहें, स्वामी जी आपने इतनी लंबी आयु प्राप्त की है भगवान के चरणों में रहकर और जनता की सेवा करते हुए, तो क्या आप संदेश देना चाहेंगे हमारे ग्रुप के साथियों के लिए? कि बहुमूल्य चीज बहुत थोड़ी होती है, लेकिन उसकी क्या क्या बड़ा होता है जी।
हमें जनजात महात्मा बनने का सौभाग्य मिला जी। क्यों मिला? इसलिए मिला जब हमारा जन्म हुआ था तो माता जी बिल्कुल बेहोशी की हालत में थी। फिर क्या हम पहले का रीति रिवाज था कि बच्चा जन्म करते थे चाहे कि कहाँ आ गए कहाँ आ गए गर्भ से तो लोग फेंक दिए थे जला तो बच्चा तो मरा हुआ है अब बहुओं न मर जाए और उनको बचाने के में लोग लग गए। जो हमारी दादी थी इनको क्या मन में आया भगवान ने प्रेरणा किया उसी ओर गई कि क्या फेंका है उन्होंने देखा कोई ये जो बच्चा है तो वही उठा लाए और उठा कर सारे कर्म हुआ ये लोग फेंक दिया फेंका हुआ ऐसा लोग कहते थे कि देखो भगवान बचाना चाहते हैं तो उसको कोई बिगाड़ नहीं सकता। तो हम सुनते थे तो मेरे मन में आ गया कि अब ये संसार मेरे को आने पर ही बाहर कर दिया ये कर दिया अचुत कर दिया तो हम संसार में तो क्यों रहें इसके भरोसे पर क्यों जिए। तो जिसने हमको बचाया है उसके भरोसे मैं लगभग बाल काल से ही महात्मा के रूप में हूँ। 100 साल से अन्न नहीं खाया हूँ जी। और हमारा जन्म वास्तविक में 1890 का हुआ है तो उस हिसाब से 1 से 32 में 2 महीना बीत चुका जनवरी। बहुत बड़ी बात है 132 वर्ष आपके भी। क्या संदेश हमारे साथियों को हमारे ग्रुप के लोगों को इनके मित्रों को दोस्तों यारों को परिवार को देंगे? हम तो मैं तो सबको भला चाहता हूँ जी। अब जितना लोग भला जी जी ये इनके ऊपर निर्भर है जी। हमारे में कोई जात भाव या नहीं है जात भात है रहेगा चलेगा चला है जी जी। लेकिन यहाँ हम लोग की बात आती है तो हम लोग सब में भगवान है जी जी ये निश्चित ज्ञान किया है किसके द्वारा गीता के द्वारा जी जी। तो गीता के प्रभाव से हमारा कोई ये नहीं है कोई आओ कोई खाओ मतलब आपका संदेश यह है कि कर भला तो हो भला हाँ। सबकी सेवा करते रहिए हाँ। वैसे तो हम देवकी जी को जानते हैं कि इनका विश्वास जो है पूजा पाठ में संतों में भगवान में है बहुत है। मतलब है कि उचित गंभीर जी और अस्थाई जी सब में भगवान जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। किसी से रहित नहीं है तो अब जिसको इस पर पूर्ण अधिकार होगा मंजा होगा वही तो कर सकता है। सबको कैसे कर सकते जी जी सबको कैसे कर सकता है तो है कि जो हमारे पास आएगा उसके लिए व्यवहार इस तरह का है अब चला जाएगा तो वहाँ का व्यवहार है तो वहाँ के व्यवहार के अनुसार से चलना चाहिए ये उसका न। अब चाहे कि हम कलेक्टर बन जाए सिपाही चाहे कि हम कलेक्टर के गद्दी पर बैठे तो कैसे बैठे है उचित तो अब एक नेता आ जाएगा तो उसके साथ सब बैठे जी 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 जी। सर समाज का जो कल्याण आप चाहते हैं सब समाज का कल्याण होता रहे हमारा जो भी शांति बनी रहे प्यार मोहब्बत बना रहे हमारा कोई भी कदम उठता है तो विश्व कल्याण जी जी जी
20,000। स्वामी जी बहुत प्रसन्नता हुई, हमारा सौभाग्य है कि आपके दर्शन हुए, हम लोगों को देवकी जी ने बुलाया और आपकी कृपा देवकी जी पर, इनके परिवार पर और हमारे साथियों पर और जो जो ये वीडियो देख रहा है उस पर बनी रहे, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार। स्वामी जी जैसे स्वामी देव का नाच देव नायकाचार्य जी जिनसे आज हमने अभी बात की और इनके विचारों के अनुसार गीता भूषण लगाओ, इन्होंने समस्त विश्व के कल्याण के लिए बात की है, सबको प्यार मोहब्बत भाईचारे से रहने की बात की है, सबको अपना आशीर्वाद दिया है। हम स्वामी जी के कर्तव्य हैं, स्वामी जी का बहुत बहुत शुक्रिया करते हैं अपने ग्रुप की तरफ से और इनके साथ इनके आए हुए साथियों को भी और देवकी जी का भी जिन्होंने हमें ये आज जो है अवसर दिया है, सौभाग्य दिया है कि हम जो है स्वामी जी के दर्शन कर पाए, धन्यवाद। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल के सपोर्ट के लिए कृपया लाइक सब्सक्राइब एंड बेल आइकन दबाइए, धन्यवाद, थैंक यू।